और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कि आपको अगर एम कैश बाय करना है मीथर से डायरेक्टली तो आप कैसे बाय करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है एम कैश के ऊपर और यहाँ नीचे आप देखेंगे ऐड एम कैश का ऑप्शन है। ऐड एम कैश को आप क्लिक करेंगे। बिटकॉइन और यूएसडीटी TRC20, बिटकॉइन में फ़ी ज़्यादा है तो हम यूएसडीटी TRC20 यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं $100 ऐड करता हूँ, जो अमाउंट आप यहाँ डालेंगे ठीक है, तो वो आपका एड्रेस जनरेट होगा। उसके बाद अब ये जो एड्रेस है ये डेडिकेटेड है आपके लिए। जब आपकी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी तो मैं इस पे करता हूँ। अगर मैं $100 यहाँ पर पे करता हूँ तो आफ्टर 10 और 15 मिनट के बाद, मुझे पे करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। और चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे $100 जो है वो एम कैश में ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास सामने जो है इसको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता हूँ। मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया। अगर मैं स्कैन करता हूँ तो ये प्रॉपर उठा लेता है। तो $100 में यहाँ पर पे करता हूँ। TRC20 हमने पे करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो मैंने एड्रेस को मार्क किया है, मैं उसी एड्रेस के ऊपर अपने मोबाइल से $100 पे कर रहा हूँ। और $100 पे करने के बाद मे बी 5 मिनट टू 10 मिनट के बाद जो है ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद मतलब जब आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, जहाँ से भी आप करेंगे चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो है $100 जो है वो ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आप एम कैश को ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है अब $100 पे कर दिए हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऐड मतलब ऐड हो चेक ट्रांजेक्शन के बाद। ये एड्रेस आप मेरा याद रख सकते हैं, TR लास्ट में है 4X। तो चेक ट्रांजेक्शन में करूँगा अगेन, फिर दूसरा एड्रेस मुझे दिखाएगा। थैंक यू सो मच।